अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ कलेजी बनाने की ऐसी तरकीब शेयर करूंगी जिसे खाते हुए सब लोग मज़े करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। ये एक पाव मैंने कलेजी और पोटे लिए हैं चिकन के। इनको मैंने एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और आधा चम्मच नमक इनको लगाकर आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब मैं एक फ्राई पैन में मैंने तेल लेना है, तेल लिया है मैंने आधा कप। छोला मैं जला लूँगी। ये पैन में मैंने 1/4 ऑलिव ऑयल मैंने गरम कर लिया। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। इसको मैं थोड़ा सा गर्म होने लगूंगी। मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है। ये देखें अभी गर्म होने लगा है, तो साथ ही इसकी रंगत भी बदलना शुरू हो गई है। अब साथ ही इसमें मैं ये जो कलेजी पोटे मैंने मैरिनेट करके रखे हुए थे ये मैं डाल दूंगी, और साथ ही इसका सारा पानी भी इसमें डाल दूंगी। इसको मैं 2 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लूंगी। इस मौके पर मैं इसमें नमक और मिर्चें, ये आपके अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, ये लेकर हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक इसकी फ्राई हम करेंगे। ये देखिए इसका पानी खुश होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें आधा कप दही, फिटी हुई दही, और 3/4 कप टमाटो पेस्ट ये डालूंगी, और इसके साथ ही 1 कप पानी। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके एक दफ़ा आंच तेज करूंगी सिर्फ 1 मिनट के लिए। ये देखिए पकना शुरू हो गया तेज आंच पे। अब मैं इसको ढाँप कर हैंडल साइड में कर दूंगी ताकि किसी का हाथ लगकर इसके गिरने का खर्चा ना रहे। इसमें आपको स्टीम नज़र आ रही होगी, इसका मतलब ये अच्छी तरह पकना शुरू हो चुका है। अब मैं इसकी बिल्कुल दम वाली आंच कर दूंगी और उस पर ही इसको पकाऊंगी। ये देखिए बोटी गल चुकी है हर किस्म की, ये देखिए, और पानी इसका खुश्क हो चुका है। इस वक्त इसमें किसी किस्म की कोई हमक, कोई महक कुछ भी नहीं आएगी जो इंसान को खाते हुए परेशान करती है। इसकी भुनाई भी हो चुकी है। अब हम इसमें चंद कतरे पानी के, सिर्फ इसकी हल्की सी ग्रेवी बनाने के लिए ये डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी ये 2 हरी मिर्चें थी जो मैंने मोटी मोटी काट ली थी, और थोड़ा 1/4 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, ये मैं इसके ऊपर डाल के इसका ढक्कन बंद करूँगी और चूल्हा बंद कर दूँगी। ये हमारी अब डिश तैयार हो चुकी है खाने के लिए। आप इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जिस तरह खाएं आपकी मर्ज़ी।